नमस्कार जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में देश के वित्त मंत्रालय ने आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। अमृत महोत्सव का ये कालखंड 21वीं सदी का ये महत्वपूर्ण दशक देश के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसे में आरबीआई की भी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम आरबीआई देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। साथियों, बीते 6-7 वर्षों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी उसके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखता है। मुझे खुशी है कि आरबीआई ने भी सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाने के लिए, सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं और उसमें आज एक और कदम जोड़ा है। आज जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड अंबड्समैन लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन अंबड्समैन ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर्स की हर शिकायत, हर समस्या का समाधान समय पर बिना परेशानी को हो सकेगा। और मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आम तौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब
छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियां, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। ये भी आप जानते हैं कि भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गारंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है, यानी छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप नया भारत बनाने के लिए जो जो व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए, इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे। और यही तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नागरिक और सरकार की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास है। साथियों, आमतौर पर फाइनेंस की बातें जरा टेक्निकल हो जाती हैं, सामान्य मानवीय हेडलाइन पढ़कर के छोड़ देता है, और इसलिए सामान्य मानवी को बेहतर तरीके से इन बातों को समझना और उनको समझाना, मैं समझता हूं आज समय की मांग है। क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हम जब करते हैं, तब इस देश के आखिरी व्यक्ति को भी इस प्रोसेस का हिस्सा हम बनाना चाहते हैं। आप एक्सपर्ट्स इन सारी बातों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन देश के सामान्य जन के लिए भी ये जानना उनकी बहुत मदद करेगा। जैसे उन्हें पता होना चाहिए कि इस योजना के तहत फंड मैनेजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट आरडीजी अकाउंट खोला जा सकता है। ये अकाउंट भी ऑनलाइन खोला जा सकता है और सिक्योरिटीज की खरीद फरोख भी ऑनलाइन संभव है। सैलरी वालों या फिर पेंशनर्स के लिए घर बैठे बैठे सुरक्षित निवेश का ये बहुत बड़ा विकल्प है। इसके लिए कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, फोन और इंटरनेट से ही आप मोबाइल फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका काम हो जाएगा। ये आरडीजी अकाउंट निवेशक के सेविंग अकाउंट से भी लिंक होगा, जिससे सेल परचेज ऑटोमेटिक, खरीद फरोख का जो काम है ऑटोमेटिक संभव हो सकेगा। आप कल्पना कर सकते हैं लोगों को इससे कितनी आसानी होगी। साथियों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस जितने जरूरी हैं, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सिस्टम पर सामान्य जन का भरोसा भी
सामान्य जन के लिए सुविधा भी, सामान्य जन के लिए सरलता भी उतना ही आवश्यक है। एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम मजबूत होती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। 2014 के पहले कुछ सालों में देश के बैंकिंग सिस्टम को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया था, आज हर किसी को पता है कि कैसी स्थितियां पैदा हो गई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। बीते 7 सालों में एनपीएस को पारदर्शिता के साथ रिकॉग्नाइज किया गया, रिजोल्यूशन और रिकवरी पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर के बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया, फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए जो विलफुल डिफॉल्टर्स पहले सिस्टम से खिलवाड़ करते थे, अब उनके लिए मार्केट से फंड जुटाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंकों से जुड़ी गवर्नेंस में सुधार हो, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी आजादी हो, छोटे बैंकों को मर्ज कर बड़े बैंकों का निर्माण हो, या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना हो, इन सभी कदमों में आज बैंकिंग सेक्टर में नया विश्वास, नई ऊर्जा लौट रही है। साथियों, बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। बीते कुछ समय में डिपॉजिटर्स के हितों को देखते हुए ही अनेक फैसले लिए गए हैं। वन नेशन वन अम्बर्समन सिस्टम, इससे डिपॉजिटर्स को और इन्वेस्टर फर्स्ट के कमिटमेंट को बल मिला है। आज जो योजना लॉन्च हुई है इससे बैंक, एनबीएफसी और प्री पेड इंस्ट्रूमेंट में 44 करोड़ लोन अकाउंट और 220 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट, इसके जो धारक है उन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। अब आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं के लिए खाता धारकों की शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और मॉनिटर करने का एक ही प्लेटफॉर्म होगा, यानी शिकायत निवारण के लिए खाता धारक को अब एक और आसान विकल्प मिला है। जैसे कि अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनऊ में हो और वो दिल्ली में काम कर रहा हो, तो पहले होता ये था कि उसको लखनऊ के एम्बर्समैन को ही शिकायत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान किया है। इससे बैंक और जांच करने वाली एजेंसियों के बीच कम से कम समय में
बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा। जितनी जल्दी एक्शन होगा, फ्रॉड से निकाली गई रकम की रिकवरी की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। ऐसे कदमों से डिजिटल पेनिट्रेशन और कस्टमर इंक्लूसिवनेस का दायरा भी बड़े विश्वास के साथ बढ़ेगा, कस्टमर का भरोसा और बढ़ेगा। साथियों, बीते सालों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन से लेकर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और दूसरे रिफॉर्म्स किए हैं। उनकी ताकत हमने कोविड के इस मुश्किल समय में देखी है और उसके कारण सामान्य मानवीय की सेवा करने का एक संतोष भी पैदा होता है। सरकार जो बड़े बड़े फैसले ले रही थी, उसका प्रभाव बढ़ाने में आरबीआई के फैसलों ने भी बहुत बड़ी मदद की है और मैं आरबीआई गवर्नर और उनकी पूरी टीम को सार्वजनिक रूप से इस संकट काल में जिस प्रकार से उन्होंने चीजों को हिम्मतपूर्वक निर्णय किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। सरकार द्वारा जिस क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गई थी, उसके तहत लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। इसकी मदद से 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने अपना उद्यम और मजबूत किया है। इसमें से अधिकतर एमएसएमईज हैं, हमारे मध्यम वर्ग के छोटे उद्यमी हैं। साथियों, कोविड काल में ही सरकार द्वारा छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिससे 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को केसीसी कार्ड्स भी मिले और लगभग 2.75 लाख करोड़ का कृषि ऋण भी उन्हें मिल गया। पीएम स्वनिधि से करीब 26 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे 26 लाख लोगों को ऋण मिल चुका है। और आप कल्पना कर सकते हैं, कोविड का इस संकट काल के बाद 26 लाख से ज्यादा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को इतनी बड़ी मदद मिल जाए, कितना बड़ा उनके लिए संबल हो गया। इस योजना से उन्हें बैंकिंग सिस्टम से भी जोड़ दिया है। ऐसे अनेक इंटरवेंशन ने गांव और शहरों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, 6-7 पहले तक भारत में बैंकिंग, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा हुआ करता था। देश का सामान्य नागरिक, गरीब परिवार, किसान, छोटे व्यापारी, कारोबारी, महिलाएं, दलित, वंचित, पिछड़े, इन सबके लिए ये सब सुविधाएं बहुत दूर थी। जिन लोगों पर इन सुविधाओं को गरीब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना आए, गरीब तक जाने के रास्तों को बंद करने के लिए जो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, भांति भांति के बहाने, यही एक परंपरा हो गई थी। और क्या कुछ कहा नहीं जाता था, खुलेआम बेशर्मी के साथ कहा जाता था, अरे बैंक की ब्रांच नहीं है,
स्टाफ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, न जाने कैसे कैसे तर्क दिए जाते थे। अनप्रोडक्टिव सेविंग्स और इनफॉर्मल लैंडिंग, इससे सामान्य नागरिक की स्थिति भी खराब हो रही थी और देश के विकास में उसकी भागीदारी भी न के बराबर थी। पेंशन और बीमा का तो यही माना जाता था कि ये सब समृद्ध परिवारों के भाग्य में ही है, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ईज ऑफ एक्सेस भारत की पहचान बन रही है। आज अलग अलग पेंशन योजनाओं के तहत समाज का हर व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 60 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली पेंशन की सुविधा से जुड़ सकता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 38 करोड़ देशवासी, 38 करोड़ कंट्रीमैन दो दो लाख रुपए की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस की सुविधा पहुंच रही है। पूरे देश में आज लगभग 8.5 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स, जो देश के हर नागरिक की बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। जन धन योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खोले गए, जिसमें आज गरीब के हजारों करोड़ रुपए जमा है। मुद्रा योजना से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों में व्यापारियों, कारोबारियों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। और स्वनिधि योजना से रेडी ठेला फेरी चलाने वाले भी इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग से जुड़ पाए हैं। साथियों, लास्ट माइल फाइनेंशियल इंक्लूजन से जब डिजिटल एम्पावरमेंट जुड़ गया, तो उसने देश के लोगों को एक नई ताकत दी है। 31 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड, करीब 50 लाख पॉस एम पॉस मशीन्स ने आज देश के कोने कोने में डिजिटल ट्रांजैक्शन को संभव बनाया है। यूपीआई ने तो बहुत ही कम समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है। सिर्फ 7 सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में 19 गुना की छलांग लगाई है, 19 टाइम। आज 24 घंटे, 7 दिवस और 12 महीने देश में कभी भी कहीं भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चालू रहता है। इसका लाभ भी हमने कोरोना के इस काल में देखा है। साथियों, आरबीआई का एक संवेदनशील रेगुलेटर होना और बदलती हुई परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखना देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। आजकल आप देख रहे हैं कि फिनटेक जैसे क्षेत्र में हमारे भारतीय स्टार्टअप्स कैसे ग्लोबल चैंपियन बन रहे हैं। इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। हमारे देश के युवाओं ने भारत को इनोवेशंस का ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। ऐसे में ये जरूरी है कि हमारे रेगुलेटिंग सिस्टम्स इन बदलावों के प्रति जागरूक रहें
और फाइनेंशियल सिस्टम्स को विश्व स्तरीय बनाए और उसको बनाए रखने के लिए सूटेबल इकोसिस्टम का निर्माण करें, उसे सशक्त करें। साथियों, हमें देश की, देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखना ही होगा, निवेशकों के भरोसे को निरंतर मजबूत करते रहना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक संवेदनशील और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में भारत की नई पहचान को आरबीआई निरंतर सशक्त करता रहा है और मुझे विश्वास है सशक्त करता रहेगा। एक बार फिर इन बड़े रिफॉर्म्स के लिए मैं आप सबको, सभी स्टेक होल्डर्स को, इनिशिएटिव लाने वाले सबको, टेक्नोलॉजी की एक छलांग लगाने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।